अजय देवगन की फिल्म रेड शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स को भी ये फिल्म काफ़ी पसंद आई है। इस फिल्म को लेकर अजय की पत्नी काजोल ने अपना रिव्यू दिया है। इसके साथ ही अजय के बेटे ने भी अपने स्टाइल में रिव्यू दिया। दरअसल काजोल ने ट्वीट कर लिखा, मेरा रेड रिव्यू है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, खूब हंसी आई, तालियां भी खूब, और अम्मा को अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। वहीं उनके बेटे ने रिव्यू में लिखा कि मैंने इनकम टैक्स के बारे में सीखा। बता दें कि रेड में अजय इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में इलियाना डी क्रूज उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं। फिल्म में अजय इलियाना के साथ सौरभ शुक्ला, अमित सयाल, पुष्पा जोशी जैसे कलाकार भी हैं। अजय ने अपनी एक्टिंग के दम पर पहले ही दिन अच्छा बिजनेस किया है। ट्रेड पंडितों के अनुमान था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और करीब 8 करोड़ के करीब ओपनिंग करेगी। अब फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन आ गया है और फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बाकी की और भी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन, ताकि आपको हर खबर मिले यहाँ पे सबसे पहले।